ओम नमः शिवाय। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है और आपका बहुत आभार है। अगर आप दुखी हैं और अगर आपके घर में कोई बीमार है या आप बीमार भी हैं, तो ये अचूक उपाय आप करें, इससे आपको बहुत हद तक अपने जीवन में फ़ायदा मिलेगा। आप कई बार मुझे कमेंट्स में बात लिखते हैं कि हम बहुत दुखी हैं, बहुत बीमार हैं, हम क्या करें, आखिरकार हम किस रास्ते पर जाएं और क्या चीज़ें हमें करना चाहिए। तो इन बातों को मैं बताऊं उससे पहले एक छोटा सा निवेदन मैं आपसे करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल से जुड़ें। कमेंट्स में भोलेनाथ का कोई एक नाम लिखें जो नाम आपको अच्छा लगे वो। और अगर अपनी कुंडली का एनालिसिस आप हमसे करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर चल ही रहे हैं, आप व्हाट्सएप पर अपॉइंटमेंट लेकर हमसे बात कर सकते हैं, उसका फीस, उसका शुल्क लागू है। दोस्तों, सबसे पहली और मुख्य बात कि जब भी आप दुखी हो, हताश हो, निराश हो, तो अभी इसी वक्त से दोस्तों आपको गीता का पाठ करना शुरू करना चाहिए। आपके घर में गीता माँ होगी, गीता का पाठ आप करें। 11वां, 7वां अध्याय अभी वर्तमान पढ़ लें। इसके अलावा कंटिन्यू एक एक अध्याय रोज़ पढ़ना शुरू करें। 17 दिनों में 15 दिनों में जैसे जैसे आप गीता का अध्ययन करेंगे, आपके दुखों का निवारण आपको हो जाएगा। आपके मन में जितनी सारी व्यथा है, जितनी सारी पीड़ा है, उनका आपको समाधान स्वयं मिल जाएगा। दूसरी बात है कि अगर आप किसी भी रोग से लड़ रहे हैं तो आपको बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। जितना बजरंग बाण का पाठ करेंगे उतना ज़्यादा फायदा आपको मिलेगा, क्योंकि बजरंग बाण जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा मंत्र है, वो हर रोगों को काटता है। तो सुबह शाम दो वक्त आप बजरंग बाण का पाठ करें तो आपके जितने रोग हैं उन रोगों से आपको एक सकारात्मक ऊर्जा मिलेगी, उन रोगों से आप बाहर आ पाएंगे। अगर इसके अलावा भी कोई आपके लिए बहुत बड़ी तकलीफ है जिससे आप जूझ रहे हैं, तो फिर आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों कि आप महामृत्युंजय मंत्र का जाप ज़्यादा से ज़्यादा करें। तो इस तरह से आप अपनी बड़ी से बड़ी परेशानी से बाहर आ सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहीं भी कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।